से कि वी कैन मेक इट ए गाय माता. तो गाय हाँ. माता की आप सेवा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ. करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, मैं नहीं करता सर. बट नहीं, नहीं, नहीं. होना चाहिए. अरे माता की सेवा करते हो कि नहीं करते हो? गाय को हटा. हाँ. ठीक है ना. यदि आप यदि आप गाय को माता कह रहे हो, अब आप उसको धर्म से मत जोड़ो. डोंट थिंक फ्रॉम द एंगल. मैं से बात ही नहीं कर रहा हूँ. हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं तो गाय नहीं रखे हूँ, तो गाय मेरे लिए माता नहीं है. इस तरीके की बातें अभी नहीं, 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 ऐसा कभी नहीं है. हाँ? हाँ? नहीं नहीं, सी सर, इट इज बिलीफ. बिलीफ इज मोर इम्पोर्टेंट. फेथ इज मोर इम्पोर्टेंट. इट इज नॉट बिलीफ, इट इज ए रियलिटी. आप उसको माता क्यों, उसको माता क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो आपकी पोषक है. नहीं नहीं, आप उसको माता इसलिए कह रहे हैं. दूसरी का पीते हैं सर? नहीं नहीं, दूध अकेला नहीं. देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ, दूध से यदि हम अपना ध्यान हटा लेंगे तो हम इस देश का बहुत भला करेंगे. हमें गाय के गोबर पे ध्यान देना चाहिए जिसमें लक्ष्मी विराजित है. दूध में लक्ष्मी जी विराजित नहीं है. दूध अमृत हो सकता है लेकिन उसमें लक्ष्मी जी नहीं है. लक्ष्मी जी गोबर में है. ये रहस्य यदि हम समझ गए तो हमने इस देश का कल्याण. वो गोबर जहां भी जाएगा चमत्कारी है. और अभी तो उसको थोड़ा बहुत जहर भी मिला है. लेकिन गाय में एक चीज और रिसर्च की गई है, आपको नहीं मालूम होगा, मैं इस बारे में बहुत अध्ययन कर रहा हूं ना. गाय को पॉइजन दिया गया स्लो डोजेज में, राइट? अच्छा. और टेस्ट किया गया तो वो पॉइजन जो है ना उसके मिल्क में पहुंचा, ना उसके मूत्र में पहुंचा, ना गोबर में पहुंचा. अच्छा. फिर धीरे धीरे जो है गाय के गले में एक नीली रिंग पैदा हुई. बापरे, जैसे शंकर के गले में नीली रिंग होती है. इसका मतलब है गाय के अंदर वो चमत्कारी शक्ति है कि नेगेटिव चीजों को खाने के बावजूद भी वो अवशोषित करके अपने दूध में नहीं भेज दे रही है. वो कितनी ग्रेट क्वालिटी है. गाय का जो मूत्र है उसमें वैद्य धन्वंतरी विराजित है. इससे बड़ी औषधि कुछ नहीं है. अच्छा. ये दो चीजें अपन समझ लेंगे तो दूध से ध्यान हट जाएगा अपना. और किसी भी कीमत पे गाय को या बैल को मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए. इस पे एक रिसर्च हुई है. गाय को जो है ना मरने के बाद एक जगह दफना दिया गया, राइट? गड्ढा खोद के दफना दिया गया और उसके ऊपर आम का एक पेड़ लगाया गया, राइट? हाँ. और उसके 50 मीटर दूरी पे एक दूसरा पेड़ लगाया गया, एक साथ एक ही ब्रीड का. हाँ. जो पेड़ गाय के ऊपर लगाया गया था उसका प्रोडक्शन 5 टाइम ज्यादा था और इट वाज मच 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 टेस्टियर. अच्छा. हाँ, ये तो रिसर्च की फाइंडिंग कह रहा हूँ मैं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इमोशंस, आई एम टॉकिंग ऑफ रिसर्च. तो इसका मतलब है कि हम बड़े मूर्ख हैं जो उसके उसको खा रहे हैं. अरे भाई, उसको गाड़ दीजिए, उसके आसपास जो ना पेड़ लगा दीजिए और आपका यदि प्रोडक्शन 5 गुना होता है तो भैया वो तो कब तक चलेगा प्रोडक्शन? और उसका यदि फल जूसी और बड़ा, फल की साइज भी बड़ी, वो भी मैथिडम से मुझे याद नहीं आया लेकिन शायद वो भी 5 गुना बड़ी थी. मतलब यदि मान लो किसी में 200 ग्राम का होता है तो इसमें 1 किलो का मैंगो हो रहा था. तो चमत्कार हो गया ना फिर. हाँ, ऐसे बहुत बहुत चीजें हैं सर इंडिया में जो लेकिन लेवल पे दम. मेरा ये कहना है, जैसे अज्यूम करिए अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करें या उस जगह को खोजें जहां ये किया गया है, ठीक है ना. हाँ, हाँ. इसके बाद जो गाय मरे उसको आप ले जाइए और उसको पैसा दीजिए और गाड़ी जहां गाड़ना वहां गाड़ी, क्या दिक्कत है? नहीं समझेगा. यदि उसको जो पैसा जो है ना बेच के मिल रहा है, यदि उतना पैसा आप जो है ना मरी हुई गाय को खरीद लेते हो तो हाँ. वो उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है उसको? हाँ. और जब सीएफबी के पास इतना पैसा होगा तो वो तो सिर्फ सिंबॉलिकली चीजों को खरीद लेगी. हाँ. तुम साइमन अंदाज नहीं लगा रहे हो कि सीएफबी वुड बी द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, आपने आपने कभी इस बात को ध्यान से मालूम नहीं सुना कि नहीं सुना. मैं ये कह रहा हूँ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीएफबी टू क्रिएट
बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो मैं कई बार सुना हूँ आपको। सर मेरा एक्चुअली ना, आई डोंट कंसिडर वेल्थ, आई मीन मनी वेल्थ। नहीं नहीं, देखो 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 देखो, आज आप देखो साइमन, आपके मानने ना मानने से नहीं काम चल रहा। जी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखिए हमारा देखिए हमें क्या समझना चाहिए वो देखो समझने की कोशिश करो। जी आज का अर्थ युग है, अर्थ के बिना लोग बाग आपकी बात ही नहीं मानेंगे। वो अच्छी बात है सर, ठीक है ना, मेरे को अच्छा लगता है। आप ये बताइए कि हम जो है ये 5 साल में कैंसर होगा, ये बात बार बार क्यों समझाने की कोशिश करते हैं? उसको हटाना जरूरी है। अरे नहीं, बिल्कुल हटाना जरूरी नहीं है, ये तो आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। किसी को मार के ड्राइविंग फोर्स नहीं, नहीं नहीं नहीं, मार के नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपनी बात समझ लो, जिसको उतना बताना चाहिए सर। नहीं साइमन, आप फिर भी बात नहीं समझ रहे हो। देखो बात को समझो, हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब है जो हालात है उन हालातों को आपने 1, 2, 3, 4, 5 समझाया, राइट? फिर आपने प्रेडिक्ट किया कि यदि मिड कोर्स करेक्शन नहीं होगा तो 99% पॉपुलेशन भारत की वो कैंसर से पीड़ित होगी, राइट? मतलब 66 पीड़ित होगी, 33% उसको सपोर्ट में होगी। यदि आप ये दिव्य जो सत्य होने वाला है, 5 साल बाद बहुत दूर नहीं होता है, तो 5 साल बाद जो दिव्य सत्य होने वाला है, उस सत्य को यदि हम समझ के यदि आज हम मिड कोर्स करेक्शन कर लेते हैं तो हमने फतह कर ली। देखिए इसमें देखिए आपके 100% आपको वो मिल रहा है, केमिकल से आप फ्री कर दे रहे हो, राइट? देन यू आर गोइंग फॉर द वर्टिकल प्रोडक्शन। नंबर 3, आप अपने ही पेड़ उसमें, अभी तो ये लोग बाकी लोग तो दायां बायां दूसरे की सरकारी जमीन में लगाने के चक्कर में रहते हैं, या सेंग हम अपनी ही जमीन में लगाएंगे पेड़, राइट? पेड़ जो है 4 तरीके के पेड़ लगाएंगे, राइट? और वो मेडिसिन जो दुर्लभ होंगी उन सब मेडिसिन को पैदा करके दे विल बी कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट, नॉट एज ए मेडिसिन। तो आपकी आयु बढ़ाने वाले आटा होगा, आपका आयु बढ़ाने वाला मसाला होगा। तो अभी मसाले में केवल क्या है, औषधि वाले गुण हैं और उससे आपका बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। और इसी में यदि हम इसी मसाले में थोड़ा सा लॉन्गिविटी वाली चीज में मिला दें, जिससे कि ऑटोमेटिकली उस क्वांटिटी में वो अपने आप जो है खाने में पहुंच जाएंगी, तो आपको लॉन्गिविटी मिल रही है विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, और वो आपके जो है चक्र का हिस्सा बनेगा। देखो आप अपना बड़ी थिंकिंग की चीजें हैं वो आपके लेवल का है सर। देखिए मैं आप नीचे लेवल के लोग हैं, देखिए मैं लोग नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए कॉपी देंगे तो एग्रीमेंट करवा देते हैं। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, छोड़े नहीं सर, एक एक कस्टमर जो मिल रहा है ना, मेरे को लगता है कि आप एग्रीमेंट करके भले 2 साल बाद करो ना सर। नहीं नहीं, उस एग्रीमेंट में ही लिखा रहेगा ना कि द फॉर्मर लॉन्च डेट विल बी जो है ना कम्युनिकेटेड सेपरेटली। हाँ भाई, आप उससे कुछ ले तो नहीं रहे हो? हाँ ले कुछ भी नहीं रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और अग्रवाल सर का कहना है तो देने की भी कोई जरूरत नहीं है उनको करके, तो ऐसे लोग बहुत हैं। देखो तो मेरा ये कहना, एग्रीमेंट कर डाले ना सर, आपको एक फॉर्मल मॉडल मिल जाएगा। संपत्ति तो बांटना है, देखो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। धन बांटना, क्योंकि धन हम उसको, देखो यदि आप सोने के भाव में चीजों को बेचने में सफल हो रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना? यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर आप में बाकी लोगों में फर्क क्या रहा? हाँ, तो ये तो आप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो धन बांटना CFB का एक मकसद है, समृद्धि बांटना CFB का एक मकसद है, स्वस्थ बांटना, सबको स्वस्थ करना CFB का मकसद है। और हम केवल इलाज तक सीमित नहीं हो रहे हैं, हम तो लॉन्गिविटी की बात कर रहे हैं। आपको दीर्घायु बनाना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम फ्री भारत, आयुष एंड एग्रो मॉड्यूल, राइट? हमने तो उसका मीडिया भी बनाया है कि साहब ये हम जो रिसर्च करेंगे ये दुष्ट छापेंगे ही नहीं, तो हम अपने ही मीडिया पे छापेंगे ना, हमें क्या दिक्कत है? लगेगा तो कॉपी फ्री में भेज देंगे। सर आपको दिखता नहीं है, आप गरीब लोगों के एकदम नीचे लेवल में घूम के देखो, नीचे के किसानों के साथ
यदि अगल बगल में कुछ होता है ना, एकदम झांक के देखते हैं, एकलव्य के बाप है सब, तो वही आप मॉडल्स क्रिएट करो, अपने आप स्प्रेड होगा, अपने आप होगा। हमारा ये कहना है कि जो अपन मॉडल की बात कर रहे हैं, इट इज हैविंग फुल इकोसिस्टम। हमारा मॉडल ये दुष्ट दो मिनट में फेल कर देंगे यदि हमने उसे बिना इकोसिस्टम के क्रिएट किए उसको किया तो लॉन्च कर दिया, तो वो तो हमें लॉन्च करना ही नहीं, हमसे कोई कहता भी रहेगा तो भी लॉन्च नहीं करूंगा। हाँ जी, आज हम एग्रीमेंट करेंगे जब हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, जब तक हमारा पूरा धुरी पैदा, हाँ जहां जहां पैदा हो, देखिए इको सिस्टम एक साथ पैदा नहीं हुआ। जैसे करिए रायपुर है, राइट, रायपुर के ट्रांसपोर्टर से हमारी मीटिंग हो गई है, तो रायपुर में एक इको सिस्टम क्रिएट होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ गई है, राइट। नाउ अब जैसे अब जो है आपका रवानी थोड़ा सा, मैं तो कहूंगा कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला बंदा है, नहीं तो आपके बैच के है ना सर? हाँ, मेरे ही बैचमेट है जी। अब वो उसके आई डोंट नो उसके दिमाग में क्यों है, अरे भाई हर किसी की जर्नी होती है यार, तुम एडॉप्ट टीचर से शुरू किए तो किए, अब खुश रहो यार, डायरेक्टर बन गए, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर दो यार। आई मीन अरे आप इतने दुष्ट हैं कि जो है ना मैसेज गुप्त करो कि तुमको जो है ना मिलने गए और तुमने कहा कि साला मीटिंग में, अभी मीटिंग आधा घंटे चलेगी, अरे जिसके साथ तुम मीटिंग कर रहे हैं वो मुझे सरसर करता होगा। काहे के बकवास करने की बातें हैं यार फालतू की। अरे आप जो है ना सभी इंजीनियर्स को जो रायपुर से निकलते चुके आप उसके अलमनाई हैं, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारे रायपुर के जो है ना बच्चों को फायदा मिले। तो एक काम करो, जो अपने ही अलमनाई को जो इस तरीके के हैं, जैसे मान लो जो ट्रांसपोर्ट में है, तो ट्रांसपोर्ट में एक बंदा मुझे मिल गया, अपना इनका अलमनाई था वो, ठीक है ना? अच्छा, तो वो अब हमने उसको अपना पर्सनल जो है सेक्रेटरी ऑफ बना दिया, उसको हमने घोषित भी कर दिया, ठीक है ना? तो हमें इकोसिस्टम क्रिएट करने के चांसेस रायपुर में दिखने लगे, राइट जी, जी, क्योंकि जी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। हाँ हाँ, थर्ड विंग है इसकी वेयर हाउसिंग, क्योंकि यदि आप वेयर हाउसिंग नहीं करोगे तो जैसे मान लो मैंने ऑर्डर किया, तो आप एक, हमने एक किलो का किसी चीज का ऑर्डर किया, तो आप एक किलो को भेजने के लिए एक ट्रक भेजोगे क्या? इसका मतलब है कि आपका तो फुल ट्रक लोड ही जाएगा, वो जाके वहां वेयर हाउसिंग में चला जाएगा। तो वहां वेयर हाउस में पहुंचा और वहां लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, वहां का लोकल क्वालिटी कंट्रोल नेटवर्क भी होगा। मतलब यदि क्वालिटी क्लेम्ड क्वालिटी से यदि कम निकल गई तो कंज्यूमर को वो चीज फ्री में दी जाएगी, दिस इज कमिटमेंट। हाँ, और जो फार्मर और क्वालिटी कंट्रोल जिसने किया है यहाँ पे जो टेस्ट रिपोर्ट दी है उससे 10 times पेनल्टी लग जाएगी, और यदि उसने 3 times रिपीट कर दिया तो ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द CFB इकोसिस्टम। क्योंकि जब तक अपन उसमें भय पैदा नहीं करेंगे तब तक लोग दुष्टता तो करते रहेंगे। हम लोग सब लोग अपने छोटे लाभ के लिए दुष्टता करना हमारा स्वभाव का हिस्सा बन गया है, हिस्सा बन गया। हमें थोड़ा सा फायदा हो चाहे बगल वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हो तो भी हमें अपने छोटे फायदा बड़ा दिखता है। हाँ, जी जी एकदम फैक्ट है। तो मेरी वाइफ अब जो है ना एक निर्णय ले लिया है कि रायपुर विल बी वन ऑफ द फर्स्ट जो है प्लेस जहां पे हम इसे लॉन्च करेंगे, सेकंड जो है ना हम यूपी में लॉन्च करेंगे और थर्ड MP में लॉन्च करेंगे जी, ठीक है ना? फिर दिल्ली के आसपास भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली के आसपास के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जी। तो सर बहुत सारे लोग, फॉर्मेट तैयार हो गया क्या आपका? एग्रीमेंट का फॉर्मेट तैयार हो गया तो नहीं, आप अभी नहीं किया है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे उसका रॉ ड्राफ्ट तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, फिर उसको रिफाइन लीगली कर लेंगे। अच्छा, तो कितने दिन में हो जाएगा सर? 1 हफ्ता मान लें पर। अच्छा, तो मैं 1 हफ्ते बाद का अग्रवाल सर को बोलता हूँ, ठीक है, ये वो फॉर्मेट आपको भेज के देंगे, आप उसको परवा दीजिए आगे वालों से, ठीक है। और ऐसा 200-300 अभी तो अपन अभी तो अपन कागज पे साइन कर रहे हैं। हाँ, कागज जब अपना सप्लाई चेन मॉड्यूल रेडी हो जाएगा तो ये जैसे सिम लेते हो ना, इससे कम समय में आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। जी जी जी, अभी तो, और ये जो है ना एग्रीमेंट नहीं है, इट इज ए ज्वाइंट वेंचर। हाँ, इट इज ज्वाइंट वेंचर। ओके, तो इसमें जो है, और सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले का कुछ नहीं लग रहा है, उससे अपन कुछ खर्च करने के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बस मतलब इवन उसके खेत में जो खेत
किसान काम करेगा, जो भी मजदूर काम करेगा, हाँ, उसका पैसा जो है ना विल कम फ्रॉम अवर मॉडल और इट विल गो इनटू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। इवन जो यदि वो अपने खुद के खेत में मैनेजर होगा जी, तो उसको अपने खेत का मैनेजर बनने के लिए भी उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो बहुत बड़ी होगी, दैट मे बी 50,000 रुपीज पर मंथ। हाँ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द फार्म, यदि बहुत बड़ा फार्म है तो इतनी भी हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, वो थिंग्स तो रिफाइन होते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। हाँ, हाँ, आपने अपना ट्रैक्टर लगाया राइट जी, तो वो एक ट्रैक्टर जो है ना के लिए या जो एग्री रिसोर्सेज के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप बनाए जाएंगे राइट जी, वो स्टार्टअप का बैक एंड टेक्नोलॉजी विल सेंड देम, तो वो 24 घंटे यूज होंगे जी, उसमें रात में इल्यूमिनेशन का पूरा व्यवस्था होगा जी। तो एक रिसोर्स आपका 3 ड्राइवर्स को कंज्यूम करेगा और हाँ, एक जो है ना उसको मेंटेनेंस के लिए इन्वॉल्व करेगा, तो इसका मतलब है हर डिवाइस 4 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा जी। आपको लगता है कि अब आपको ये जो ना आप एक्वा ट्रेंच खोदना चाह रहे हैं, इस एक्वा ट्रेंच खोदने के लिए 3 साल लग जाएंगे जब हजारों लखों मशीनें लगेंगे, तब मतलब हजारों लखों मशीनें राउंड द क्लॉक काम करेंगी तब इतना समय लग जाएगा, ठीक है ना। अब आप मानिए कि आपने 1,00,000 जेसीबीज यूज किए, ठीक है ना। 1,00,000 जेसीबीज को यूज करने के लिए आपको 4,00,000 जॉब क्रिएट हो गए। व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, ये कंट्री पकड़ में नहीं आएगा। और जब सब लोग इतना कंट्रीब्यूट करेंगे तो वेल्थ आपका आपका ग्रोथ रेट जो है ना विल बी 3 साल में, मेरा ऐसा एंटीसिपेशन है कि हम आराम से 50 trillion इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। और जब आपका इंटरनेशनल एलिमेंट काम करेगा, जैसे ही आपका जो है ना अमृत बिकना चालू हो गया इंटरनेशनल एलिमेंट पे, और उसको बेचने के लिए भी अपना इकोसिस्टम काम करेगा। हाँ, मतलब ये हम विदेश दूसरे लोगों के नहीं रहेंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ आवर जॉइंट वेंचर, वो कोई भी हो राइट। तो वो चैन पे हम किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो वो वहां पर भी विदेशों में भी देयर विल बी क्रेडिबिलिटी, कोई बीच में बदमाशी नहीं कर पाएगा, नहीं तो लोग बाग आपको डिफेम करने के लिए बदमाशी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही कुत्सित बदमाश सिस्टम है ना, पूरा टोटल बिजनेस सिस्टम में पांव खींचने वाले ज्यादा लोग हैं सर, सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप पांव खींचोगे तो 2 मिनट में पकड़ जाओगे और आपको सीएफबी के सिस्टम से इकोसिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। मतलब रादर देन यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर द सीएफबी, सीएफबी विल रिमूव एंड विल मेक यू यूजलेस। बहुत बहुत विस्तारित सोच और बैकएंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम चाहिए, जिसमें जो सुपरवाइजर और मैनेजर्स होंगे तो वो झूठ बोलने की उनकी काबिलियत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो करेंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे और दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ। जब तक आप इतना हैवी, इतना ऑब्जेक्टिव, इतना पावरफुल, इतना सेल्फ कैप्चरिंग, क्योंकि यदि आप उसको भरने के लिए दोगे तो वो फर्जी आंकड़े भर देगा। तो कोई अब भरेगा नहीं, जैसे मान लो अज्यूम करिए कि अपन ने जो क्वालिटी के लिए कहा है और उसमें 2 कंपोनेंट रखे, तो एक ह्यूमन कंपोनेंट है। अब ह्यूमन कंपोनेंट को अपन ने कस्टमर एंड पर भी टेस्टिंग रख दी है, तो अपन ने उसको पकड़ने का सिस्टम बना दिया कि तुमने मतलब अच्छा, आपने उसको जो है ना A+ क्वालिटी का टेस्ट दे दिया, टेस्ट बहुत अच्छा है, और मालूम पड़ा कि उस एंड पे जो है ना वो टेस्ट अच्छा नहीं पाया गया, नहीं पाया गया, तो आप उसको तो कंज्यूमर को तो फ्री में मिल जाएगी वो चीज। हाँ, और आपके ऊपर 10 times पेनल्टी लग जाएगी। हाँ, और यदि आपने 3 बार इसको रिपीट कर दिया तो इकोसिस्टम से उठा के तुमको बाहर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि इतना यदि आप ट्रेड पैदा नहीं करेंगे तो ये लोग अंदर घुस के दुष्टता करेंगे। हाँ, सर्वर बेस तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा आपके, नहीं ये सब क्लाउड में जाएगा, इसमें बहुत हाई दर्जे की टेक्नोलॉजी सेफ्टी लगी होगी उसमें, जो है ना वो सर्वर जो है ना गड़बड़ करेगा तो वो FIR कर देगा सर। ये तो इसलिए तो क्राइम फ्री भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बैकएंड पे चलेगा ना। हाँ, वो आपकी FIR कर देगा।
हाँ करेक्ट, और उसके इविडेंस भी देगा खुद ही। और यदि मान लो एक आध साल जो है ना थानेदार यदि उसको नहीं भी रजिस्टर करता तो कोई दिक्कत नहीं है, दो साल बाद तो उसे करना ही करना पड़ेगा। हाँ, एक आध सरकार के गिरने के बाद करेगा रजिस्टर, करेगा तो सही। नहीं बट सर्वर तो एक जगह रखना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, देयर देयर विल बी, हाई सिक्योरिटी कहती है कि देयर विल बी 7 सर्वर, देयर विल बी, तो वो बहुत हाई दर्जे की कॉन्सेप्ट बैकएंड पे यूज होंगे। हाँ। वो साइमन यू मे नॉट बी नोइंग, तो वो सब होगा उसमें। हाँ। वो सब होगा क्योंकि पंचर करने उसी को देखा जाएगा फर्स्ट फॉरमोस्ट, जिन लोग को लोगे तो बैक एंड आपकी आइडेंटिटी को कैप्चर करके, तब तक तो हम नियम कानून भी बनाने की बात कर रहे हैं। अभी एक 25 तारीख को अभी शायद चालू हो गई होगी कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस है इसी बारे में दिल्ली में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कि जो 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 साइबर स्पेस में आ रहा है उसकी आइडेंटिटी को कैप्चर किया जाए, ठीक है ना, सो दैट यदि वो क्राइम करता है तो देन वी कैन रीच टू द पर्सन एंड कैन प्रोसिक्यूट हिम विद सर्टेनिटी। ये बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, सबसे मेन प्रॉब्लम वही है। चलिए तो मुझे अच्छा लगा, मैं जरा इस पे होमवर्क करके इस पर जल्दी बनाता हूँ। जी जी, तो मैं उनको 10 दिन बाद का टाइम दे रहा हूँ सर। हाँ, दे दीजिए, मैं आज रात से इस पे काम करना चालू करता हूँ। जी जी, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। चलो चलो साइमन, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग योर कॉल, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।